हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं polytechhub.com। हम लोग स्टडी कर रहे थे स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन में पिछले लेक्चर में हम लोग देख लिए थे स्लोप के बारे में। अभी तक आप वो लेक्चर नहीं देखे तो पहले आप स्लोप का लेक्चर देख लीजिए, फिर आप आ जाइए मेरे साथ आज के लेक्चर में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइन, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ। यहां हम लोग स्टडी करने वाले हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइन। या फिर कह सकते हैं डिफरेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन। दोस्त, इक्वेशन ऑफ लाइन, ओके, डिफरेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर में। ये हम लोग का आज का लेक्चर होने वाला है। अब इसका मतलब पहले समझिए। अभी तक आप इक्वेशन ऑफ लाइन से अवगत नहीं हुए, अब अलग अलग फॉर्म की हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहली बात ये है कि हम देख क्या रहे थे कि जब जो लाइन बना हुआ है, जो लाइन बना हुआ है, उस लाइन में एक्स और वाई एक्सिस के साथ चेंज करने पर, हर एक पॉइंट का एक्स और वाई चेंज करने पर, अलग अलग जो लाइन में जो पॉइंट है उसका एक्स और वाई अलग अलग आ रहा है हर एक पॉइंट पे। तो हम लोग एक्स और वाई का एक रिलेशनशिप बना लिया। आप देख रहे हैं क्या, एक्स और वाई, एक्स वाई, एक्स में चेंज करने वाई में चेंज आ रहा है, एक्स में चेंज करने वाई में चेंज आ रहा है। तो हम लोग क्या किए यहाँ पे, एक्स वाई में एक रिलेशनशिप बनाए, और वो भी ऐसा कि वेरिएबल का ऑर्डर जो रहेगा वो सिंगल ऑर्डर का रहेगा। वह रिलेशनशिप हमें दिया लाइन का इक्वेशन, जो कि अभी हम फर्दर डील करेंगे। तो यही इक्वेशन आपको लाइन का अलग अलग स्वरूप में मिल जाएगा। मेरा कहने का मतलब है ये कि लाइन, अब जैसे देखिए, सोचिए, एक आदमी अगर पंजाबी कपड़ा पहन ले तो पंजाबी लगने लगता है ना, चाइनीज ड्रेस पहन ले तो चाइनीज लगने लगता है, हालांकि है मराठी कर ले तो मराठी जैसा वेशभूषा लगने लगता है ना, अंग्रेज जैसा कपड़ा पहन ले तो अंग्रेजन लगने लगता है। तो कुल मिला के आप देख रहे हैं कि आदमी तो सेम है, बट वो अलग अलग रूप में आपको मिल रहा है। लेकिन अगर आपको उस आदमी के बारे में सही से जानकारी रहेगी, सही से उसका पूरा सब चीज़ स्ट्रक्चर याद रहेगा, तो आदमी चाहे जिस रूप में आपको मिल जाए, आप डेफिनेटली उसको पहचान लोगे। मतलब समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब वही है, रहेगा तो लाइन का ही इक्वेशन, बट वो आपको अलग अलग रूप में मिलेगा। कभी पंजाबी कपड़ा पहने हुआ, कभी चाइनीज कपड़ा पहने हुआ, कभी इंग्लिश कपड़ा पहने हुआ। अब आपको पहचानना है यहाँ से कि वह लाइन ही है कि नहीं। तो आपको उसके बारे में अच्छी जानकारी रहना चाहिए। उसके हर एक रूप को आप देखे रहोगे तो देखते ही पहचान जाओगे, अरे ऐसा ही तो इस कपड़ा में लगता है, ऐसा ही इस कपड़ा में, तो आप आसानी से पहचान लोगे। तो वही होता है लाइन का अलग अलग रूप, लाइन का ही इक्वेशन रहेगा बट वो अलग अलग तरीके से लिखा हुआ रहेगा। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है? तो चलिए हम लोग देखते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। तो सबसे पहला इक्वेशन देखेंगे, जो लाइन का इक्वेशन है पहला, फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट ये है आपका इक्वेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये आपका है इक्वेशन ऑफ लाइन, पहला रूप देख लीजिए इसका, पहला रूप इक्वेशन ऑफ लाइन का ये है, ठीक है, फर्स्ट रूप, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। ये आपका जनरल फॉर्म है लाइन का, ठीक। अब देखिए इसमें, ये आपको पहला फॉर्म देख लीजिए, इसमें आपको ध्यान क्या रखनी है कि यहां पे ये है इक्वेशन ऑफ लाइन, ये है इक्वेशन ऑफ लाइन। दोस्त पहला फॉर्म देख लो, हेयर, हेयर नोट करके लिख लीजिएगा, हेयर x एंड y आर
वेरिएबल ऑफ सिंगल डिग्री। ठीक है, अब ये ऐसा अब ध्यान में रखना है कि अभी एक्स और वाई के टर्म में जब भी आएगा कोई रिलेशन, ध्यान में रखिएगा स्ट्रेट लाइन का होगा, उसमें आपको डिग्री इसका जो मिलेगा एक ही रहना चाहिए, स्क्वायर क्यूब इसके फॉर्मेट में या हाफ इस तरह का कुछ भी नहीं होना चाहिए, पहला कंडीशन। और ए बी सी रियल कॉन्स्टेंट है, ए बी सी क्या है, ए बी सी आर रियल कॉन्स्टेंट्स। ठीक, ये आपको ध्यान में रखने हैं पहला फॉर्मेट में। अब ये आपको जब भी कोई डाटा दिया रहेगा तो आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो। अब इसमें देखो लाइन होगा तो लाइन का अपना स्लोप होता है, लाइन होगा तो लाइन का क्या होगा, स्लोप, जो पहले आपको हम पढ़ा रखे दोस्त, स्लोप क्या होगा, तो स्लोप 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 स्लोप, देखो दोस्त स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप लिखने के लिए इसका स्लोप निकालना, अगर ऐसे लाइन लिखा है उसका स्लोप लिखने का तरीका होता है, स्लोप बराबर हो जाएगा, स्लोप इज इक्वल टू यहाँ पे यह बराबर होगा माइनस ए बाय बी, बराबर माइनस ऑफ कोफिशियंट ऑफ एक्स, एक्स का गुणांक देखिए माइनस ए यानी एक्स का गुणांक यानी कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशियंट ऑफ वाई। बस अगर आपको इस तरह से लाइन दिया है तो उसका अगर स्लोप आपको निकालने का मन कर रहा है तो आप कुछ नहीं करो, माइनस ऑफ कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशियंट ऑफ वाई, ध्यान रखिएगा माइनस केवल इसके साथ होता है कोफिशियंट ऑफ एक्स, अभी खुद माइनस में होगा तो ई माइनस लेना आप मत भूलिएगा क्योंकि माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका पहला फॉर्म था लाइन के इक्वेशन का, अच्छे से देख लो इसको। चलो दोस्त आगे बढ़े हम लोग ट्रिंग 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 दूसरे मेथड की तरफ। दूसरा मेथड है हम लोग का वो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म लाइन का दूसरा रूप देखिए, इसका क्या क्या रूप है तेरा। देखिए दूसरा रूप हम लोग देखने जा रहे हैं लाइन का, पहला रूप आप लोग पहचान लिए कि यही है कैटरीना कैफ। अब आ जाइए हम लोग बढ़ते हैं ऐश्वर्या राय की तरफ, अब यही है कैटरीना कैफ। अब देखिए कैटरीना कैफ ऐश्वर्या राय के लुकअप में कैसी लगती है, y बराबर एम एक्स प्लस सी, ये लाइन का दूसरा फॉर्म है। देखिए x और y में ही रिलेशन है लेकिन कभी कभी आपको इस फॉर्मेट में डायरेक्ट लाइन लिखा हुआ मिल जाएगा, कभी इस फॉर्मेट में मिला जाएगा, आपको पहचानने आना चाहिए। अच्छा दोस्त इसमें क्या है, x और y जो वेरिएबल है, जो लाइन होगा उस लाइन को प्रत्येक पॉइंट पर चेंज होगा वो एक्स वाई तो अलग अलग, तो इसलिए वेरिएबल एक्स और वाई यहाँ पे है। अब दोस्त देखिए यहाँ पे कि एम क्या है, एम है स्लोप। एम क्या बताता है, एक्स के गुणांक में जो रहेगा वो बताएगा डायरेक्ट स्लोप। एम क्या बताएगा यहाँ पे, एम है स्लोप यानी टेन थीटा, स्लोप बराबर टेन थीटा हम पढ़ा रखे आपको। अच्छा ट्रिंग ट्रिंग अब क्या होगा, अब बच गया सी, सी जो है आपका वो है इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। क्लियर दोस्त, तो ये है आपका क्या, वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट लाइक दिस। अगर इसको हम ग्राफ से आपको समझाएं तो आ जाइए हम लोग देखते हैं, ये कुछ ऐसा ग्राफ है और ये है वाई बराबर एम एक्स प्लस सी का ग्राफ, ये लाइन का और इस लाइन का ग्राफ। देखिए ध्यान से देखिए, ये जो पॉइंट है जैसे जहाँ पे ये जो सी है, सी वह पॉइंट है, सी जो कुछ वैल्यू होगा 4, 5, 6, 7 जो भी कांस्टेंट की वैल्यू होगा, 0 भी हो सकता है, तो ये जो सी होगा निगेटिव भी हो सकता है। तो ये होता है वाई एक्सिस पे कटान, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे क्या कटान, तो ये पॉइंट बताएगा कि वाई पे एक लाइन कहाँ कट कर रहा होगा, यानी अगर सी है तो ये पॉइंट क्या होगा वाई एक्सिस पे, ये सी पॉइंट होगा। अच्छा स्लोप क्या होता है, आपको पता है स्लोप क्या होता है, एक्स एक्सिस के साथ एक्स एक्सिस का जो एंगल होता है वो उसका टेन थीटा स्लोप होता है, यानी यहाँ से जो भी एंगल बनेगा यानी वो टेन थीटा इसका क्या होगा स्लोप, तो ये स्लोप यानी ये एम बराबर क्या होगा टेन थीटा के बराबर होगा, यहाँ से आप थीटा निकालोगे जितना एंगल ये बनेगा।
क्लियर। तो यहां पे आप हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों पे एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे के इसके रंग रूप देखेंगे। आ जाओ दोस्त। तो यहां से दोस्त क्या होगा कि पहला के लिए देखो, 2x + 3y - 7 = 0। अब ये आपको पहले पहचानने के लाएंगे इक्वेशन है कि नहीं भाई, सबको कैटरीना कैफ पहचान में आ गई। अच्छा अच्छा, अब ये तो आ गई, अब इसमें बताओ दोस्त कि स्लोप, स्लोप क्या होगा, स्लोप क्या होगा। तो हम में से सब जानते हैं स्लोप बराबर क्या निकाल सकते हैं, -2 यानी माइनस ऑफ कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशियंट ऑफ वाई, वाई कितना है 3। दिस इज स्लोप, हो गया दोस्त। देखो तो यहां से आप स्लोप निकालना सीख गए। अब देखो इसमें, अब ऐसा देखो, इस फॉर्मेट में था तो हम पहचान गए लाइन है, और इसको देख के भी तो पहचाने भाई, ये भी तो लाइन ही है। और जब ये भी लाइन है तो ये कुछ ऐसा दिया रहेगा, मान लीजिए y = 2x + 5। तो आपको समझ जाना है कि स्लोप क्या होगा, एक्स के गुणांक में जो रहता था 2 यानी tan थीटा बराबर 2, यही हो जाएगा। यहाँ से आप थीटा भी निकाल सकते हो। अच्छा, C का मान क्या होगा, C बराबर 5, मतलब ये लाइन जो होगा वो 5 से कट करके जा रही होगी। कितना आसान, कितना आसान है दोस्त। देखो तो क्या हो जाएगा दोस्त, 2x + 5। नहीं देखिए, बहुत बहुत आसान है, बस मजे में पढ़ते जाओ दोस्त। ये समझ में आ गया कि ये इंटरसेप्ट हो गया और ये 2 जो हो गया वो स्लोप हो गया, ठीक है। अब यहाँ तक करने के बाद, ठीक है, यहाँ तक करने के बाद हमें ये दोनों फॉर्म पहचानने आ चुका है। अब आपको करना क्या है कि मान लीजिए यहाँ पर y बराबर 2x केवल रहता तो हम क्या समझते कि यहाँ पे स्लोप इंटरसेप्ट क्या होगा, 0। इसका मतलब ये एक y कहाँ पे कट कर रहा है, y 0 पे कट कर रहा है y एक्सिस को। तो यहाँ से लाइन कुछ ऐसे पास करेगा जिसका इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, 0। तो ये हो जाएगा y बराबर 2x का ग्राफ कुछ ऐसा। अच्छा, 2x क्या बताता है, जैसे यहाँ पे x और 2x में क्या अंतर हो जाता है दोस्त, देखिए x मतलब स्लोप हो जाएगा m बराबर क्या हो जाएगा 1। अच्छा, मतलब tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। अच्छा, जैसे ही ये 2x होगा तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, बताओ 2। इसका क्या मतलब हुआ कि अभी ग्राफ का जो tan थीटा 2 है, मतलब आपको पता है कि tan का मान बढ़ने पर क्या बढ़ता है जो दोस्त, क्या बढ़ता है, tan का मान बढ़ने पर एंगल का मान बढ़ेगा, जिसके कारण ये स्लोप, एंगल ज़्यादा है मतलब यहाँ पे स्लोप क्या होगा, ज़्यादा। तो इस तरीके से क्या होगा, ये x का ग्राफ मान लीजिए 45 डिग्री पे होगा और 2x का उससे थोड़ा ऊपर होगा, क्लियर। तो ये यही बताता है आपका, अगर 3x रहता तो थोड़ा उससे ऊपर होगा, थोड़ा उससे ऊपर होगा। और इंटरसेप्ट बताता है कि कहाँ से y एक्सिस को कट करेगा, क्लियर। तो इस तरीके से आपको ये दोनों फॉर्म अच्छे से समझ में आ गया होगा। कैटरीना कैफ और इस बढ़िया रहा है, अब तो समझ में आ गया भाई। चलो भाई, कितना बढ़िया है, दोनों समझ में आ गया। अब चलते हम लोग किसकी तरफ चले बताओ, आलिया भट्ट बची हुई है, चलिए अब आलिया भट्ट की तरफ चलते हैं दोस्त। अगला फॉर्मेट हम लोग का होगा डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। मान लीजिए कि अगर आपको कुछ ऐसे दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, x / a + y / b = 1, ये है आलिया भट्ट। ये तीसरा हम लोग का, ये क्या हुआ, थर्ड डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, ये है आलिया भट्ट, है ना। उधर का दोनों कैटरीना कैफ और इस बढ़िया राय को तो हम पढ़ लिए हम लोग, अब आज जा रही है आलिया भट्ट की तरफ। अब देखिए इसमें x / a, y / b = 1, नहीं दोस्त, ये भी लाइन का ही इक्वेशन है। फाइनली सॉल्व करने पर हमें पुराना वाला इक्वेशन मिल जाएगा, है तो आखिर वो लाइन का ही इक्वेशन।
और आप अलग अलग रूप में मिल सकता है, अभी आलिया भट्ट के रूप में मिली हुई है भाई देखो। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे, जैसे ही देखेंगे x बटा कुछ कांस्टेंट, y बटा कुछ कांस्टेंट बराबर 1, हम समझ जाएंगे यह लाइन का ही इक्वेशन है। ठीक है, अब दोस्त इसको बोलते हैं डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इसमें आपको थोड़ी सी बात क्या याद रखनी है, इसमें बात क्या है याद रखनी है कि ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस। ठीक है, अब ये ध्यान से देखिएगा, ये है आपका x by a plus y by b equal to 1 लाइन का इक्वेशन। अब ध्यान से देखिए इसमें, यह इस लाइन का इक्वेशन। अब इस लाइन के इक्वेशन में आपको ध्यान में रख लिए कि ये ओरिजिन है O और ये है A पॉइंट, इसके बीच की लंबाई ये होती है A, x का जो इंटरसेप्ट है, और ये जो होगी मान लीजिए ये B है, तो ये जो लेंथ हो जाएगा ये लेंथ है B। यानी हम कह सकते हैं x y तो वेरिएबल है, A क्या है, हेयर हेयर A इज इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट ऑन कहाँ पे, इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस, और y b क्या दोस्त, इंटरसेप्ट ऑन, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। अब एक बात में कंफ्यूज मत कर जाना, दो जैसे बोलेंगे इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, तो इंटरसेप्ट वर्सेस, इंटरसेप्ट वर्सेस लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, ये कंफ्यूजिंग वर्ड है, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट। दोस्त ध्यान से रखना, लेंथ वर्सेस, ये मैं इसको हम क्यों समझा रहे हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है कि ये दोनों कंफ्यूजिंग वर्ड है। इंटरसेप्ट आपका पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, बट लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट की बात जब भी करेंगे तो वो मैग्नीट्यूड वाइज पॉजिटिव ही होता है। जैसे ये आपका प्लस फाइव माइनस फाइव हो सकता है, बट ये हमेशा आपको प्लस फाइव ही, क्योंकि हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, लेंथ की बात करेंगे, तो वो लेंथ जो भी होगा, चाहे इधर कट कर रहा हो, तो जैसे मान लीजिए कोई लाइन ऐसा है डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो जो कट कर रहा होगा तो एक्स का मान निगेटिव होगा वाई पॉजिटिव होगा, बट हम लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट की अगर बात करेंगे तो वो हमेशा दोनों केस में कहेंगे पाँच पाँच मैग्नीट्यूड वाइज या चार तीन जो भी होगा। लेकिन अगर हम इंटरसेप्ट की बात करेंगे तो कहेंगे कि यह चार है इधर माइनस तीन है ऐसे। तो ये अंतर है इंटरसेप्ट और लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट में। ये बेसिक आपको सवाल जब मिलेगा तो वो सब चीज़ आपको क्लियर रखने के लिए, कि कभी ऐसे बात जब आ जाए इंटरसेप्ट और लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट की बात करें तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो आपको इस तरीके से ये भी निकालना आ गया। अब रह गई बात इसमें कि इसको अगर हम सॉल्व करें तो फाइनली हमें वही मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, जो हमारा पुराना वाला इक्वेशन है, क्योंकि वो सब बेसिक उसी फॉर्म का ये डिफरेंट डिफरेंट रूप है। दोस्त हम लोग आगे बढ़े, तो तीन रूप आपको याद हो गया होगा, ये सब आपके पूरे ब्लड में हो जाने चाहिए। अब बात करते हैं चौथे फॉर्म की, जो है नॉर्मल फॉर्म। आ जाओ, नेक्स्ट फॉर्म कौन सा होगा, आ जाओ नेक्स्ट फॉर्म में हम लोग पढ़ते हैं। ट्रिंग ट्रिंग, ये है नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन। अब देखिए नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन क्या होता है, एक्चुअल में नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है सो देख लीजिए, अलग अलग रूप है हम लोग लाइन का देख रहे हैं। ये लाइन है, ये लाइन पर ये 90 डिग्री नॉर्मल है O और M, और ये नॉर्मल है, और नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर इस लाइन पे है, इसकी लंबाई P है, ये अल्फा एंगल x एक्सिस के साथ बना रहा है, इसको बोलते हैं। अब यहाँ से हम लोग लाइन का जो इक्वेशन लिखते हैं वो लिखते हैं x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू P। देखो दोस्त यहाँ ध्यान से देखो, जहाँ जहाँ वेयर
अल्फा इज एंगल विथ किसके साथ, एक्स एक्सिस, एंड पी इज लेंथ ऑफ नॉर्मल ऑन लाइन एल कोई लंबा लाइन है, ठीक है, एल लाइन है कोई, तो उस पर क्या है ये परपेंडिकुलर। तब उस लाइन की जो इक्वेशन होगी वो इक्वेशन इस तरीके से दिया जाएगा, और इस इक्वेशन को फॉर्मेट को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, नॉर्मल फॉर्म। उसके लिए आपको नॉर्मल फॉर्म से इक्वेशन निकालने के लिए ये अल्फा पता होना चाहिए, ये आपको अल्फा पता होना चाहिए, और ये लेंथ पता होना चाहिए जो पी लेंथ है। पी लेंथ यहाँ रख देंगे, अल्फा से साइन कॉस अल्फा निकाल लेंगे, अल्फा पता रहेगा साइन अल्फा निकाल लेंगे, इसमें वैल्यू डाल देंगे और एक्स वाई में एक रिलेशन आ जाएगा, उस रिलेशन इस लाइन की इक्वेशन को बताएगा। तो नॉर्मल फॉर्म जैसा ही तो था, तो इसमें दिक्कत क्या थी कि मान लीजिए कभी कभी आपको ये लेंथ न दिया रहे तो उस केस में क्या करोगे, अलग कोई डाटा दिया रहेगा तो फिर क्या करोगे, अलग फॉर्मेट से हम लाइन का इक्वेशन निकालेंगे, जो डाटा रहेगा उसके अनुसार से निकालेंगे। बात क्लियर हो रही कि अगर मान लीजिए आपको अलग फॉर्म में जो डाटा दिया है वो अलग फॉर्मेट में दिया है तो आपको वो दूसरा फॉर्म भी पता होना चाहिए जिस फॉर्म से आप उस लाइन का क्या निकाल सको, इक्वेशन निकाल सको। तो ये कितना तरीका हो गया, ये हमारा फोर्थ नंबर था, ध्यान से रखिएगा। अब ये हमारा था उधर कौन कौन सा हो गया, कैटरीना कैफ, ऐश्वर्या राय और आलिया भट्ट के बाद ये कृति सेनन हो गई। चलो दोस्त चार हो गया है ना, आ जाओ अब दोस्त अगला फोर्थ के बाद। अब आपको याद सब हो गया होगा नाम भी है ना, बता इसलिए दे रहे हैं कि निगेटिव चार्ज का नाम बहुत जल्दी याद हो जाता है। चलो ठीक है आ जाओ दोस्त, अब बाद में बात करते हम लोग, अब हम लोग बात कर ले नेक्स्ट लाइन जो हम लोग का लाइन का फॉर्मेट है कि अगर हमें पांचवा कैसे आपको लाइन की इक्वेशन लिखनी है। बाकी सब तो आपको पता है कि अल्फा पता है पी पता है तो ऐसे लिख लेंगे, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट पता है तो ऐसे लिख लेंगे। अब चलते हैं जरा सा, अगर आपको इफ स्लोप ऑफ लाइन इज एम एंड लाइन इज पासिंग थ्रू पॉइंट एक्स वन वाई वन, अगर मान लीजिए किसी लाइन की स्लोप m है, देखिए ध्यान सुनिए, किसी लाइन की स्लोप क्या है m है और वह लाइन पास कर रहा है एक्स वन वाई वन से। दोस्त देखो लाइन का कुछ स्लोप होगा, आपको पहले ही बता रहा कि लाइन होगा तो उसका क्या होगा, स्लोप होगा। तो मान लेते हैं कि आपको लाइन का स्लोप पता है कहीं से और वह आपको ये पता है कि वह लाइन पास कर रही है, उसमें से कोई एक पॉइंट पता है जिस पॉइंट से वो पास कर रही है, तब लाइन का आप इक्वेशन कैसे लिखोगे। तो वो लिखने का तरीका क्या है, देन इक्वेशन ऑफ लाइन इतना चीज आपको पता रहेगा तो कैसे लिखिएगा, x माइनस का जिस जो पॉइंट आपको पता है जिसे पास करता है y माइनस जिस पॉइंट से आपको पास करता है उसका y कोऑर्डिनेट, y माइनस वाई वन एम इंटू का x माइनस एक्स वन, ये x और y दोनों वेरिएबल रहेगा, बाकी ये डाटा आपको दिया रहेगा या आपको स्लोप पता रहेगा, तब हम लोग लाइन का जो इक्वेशन लिखेंगे ऐसे लिखेंगे। क्लियर है क्या ये, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। अब सपोज डैट हमें ये पता ना रहे, स्लोप नहीं पता रहे, लेकिन हमको पता रहेगा कि लाइन किसी दो पॉइंट से पास कर रहा है, काफी है हम लोग के लिए, काफी है क्योंकि दो पॉइंट से जब भी पास करेगा तो दो पॉइंट उस लाइन का स्लोप हमें निकाल लेंगे उस पॉइंट से, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि दो पॉइंट किसी लाइन पर पता रहेगा तो उसका स्लोप निकालने के लिए क्या तरीका है, y2 टू माइनस वाई वन बट्टा एक्स टू माइनस एक्स वन, बहुत ही आसान, पहले पर हार रखें आपको। दोस्त देखो अब क्या होगा, इफ लाइन पासेस थ्रू
पॉइंट्स एक्स वन कॉमा वाई वन एंड एक्स टू कॉमा वाई टू देन इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन बाय। कैसे हम लोग निकालेंगे इक्वेशन लाइन का, तो ध्यान से देखिए दोस्त, सब चीज़ तो सेम रहेगा। देखिए वाई माइनस वाई वन, अब हाँ इसमें एक चीज़ आएगा। कोई बच्चा कहेगा कि सर यहाँ पर तो दो गो पॉइंट आ जाएगा, तो हम किसका वाला लेंगे? तो पहले हम आपको ये चीज़ बात क्लियर करते हैं, आपको कन्फ्यूजन यहाँ हो सकती है। ये हो जाएगा y माइनस वाई वन जैसे पिछले टर्म में किए थे, और स्लोप कैसे निकालते थे देखिए, अभी तो इसमें स्लोप नहीं पता है, तो स्लोप निकालने का तरीका वही होता क्या, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 इंटू का x माइनस x1। अब कुछ स्टूडेंट का कहना होगा कि सर अब यहाँ पे जो आप रखे हैं वो हम इसके बदले में y1 के बदले में y2 रख देते और x1 के बदले में x2 रख देते, तो क्या दोनों आंसर डिफर आता? ऑफ कोर्स नहीं, है ना, हमारा आंसर क्या होगा, नहीं, दोनों का आंसर सेम आएगा। तो आप इसकी चिंता ना करें कि ये पॉइंट लेके आप ये इक्वेशन बना ले, कोई दोनों में से कोई भी पॉइंट लेके आप इक्वेशन बनाइएगा, आंसर सेम आना है, क्योंकि सेम लाइन का इक्वेशन है, तो एक लाइन का इक्वेशन फिक्स होता है, ध्यान रखिएगा, एक अगर कोई लाइन है उसका इक्वेशन फिक्स्ड होता है। क्या बात क्लियर है? चाहे उसका कोई भी स्लोप और कोई भी पॉइंट लेके उसमें से कोई भी पॉइंट लेके निकालोगे, इक्वेशन सेम आना है। तो एक लाइन की इक्वेशन क्या होती है, फिक्स्ड होती है, अलग अलग लाइन की इक्वेशन अलग अलग होती है। क्लियर? तो कॉन्सेप्ट को समझते रहिए। तो ये छह फॉर्म आपके लाइन्स के होते हैं। एक और फॉर्म होते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म्स, ठीक है, एक और फॉर्म होते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म्स, क्लियर, जो कि हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं, जो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं होने वाला है। तो कुल मिला के ये छह फॉर्म, हम अपेक्षा करते हैं कि आपको ये छह फॉर्म अच्छे से समझ में आ गया, एक बार जल्दी से रिवीजन कर ले, ठीक है दोस्त। सबसे पहला क्या था, सबसे पहला था ax plus by plus c बराबर जीरो। ये हमारा पहला था स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। इसमें कोफिशिएंट स्लोप कैसे निकालते थे, माइनस ऑफ एक्स के कोफिशिएंट बट्टा वाई के कोफिशिएंट, ये स्लोप निकालने का तरीका था। दूसरा था इंटरसेप्ट फॉर्म वाई बराबर एम एक्स प्लस सी, जहां एम स्लोप होता था, सी इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। तीसरा हम लोग का डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, यह क्या होता था, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू वन, ठीक है। चौथा हम लोग का क्या फॉर्म था, जहां ए का था इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस और बी का था इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। चौथा था नॉर्मल फॉर्म, वो क्या था, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर पी। पी तो क्या था, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन, एंड जो आपका अल्फा था एंगल ऑफ द नॉर्मल विथ एक्स एक्सिस। क्लियर? अब हम लोग देखे थे कि और इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे लिख सकते हैं, तो देखे थे कि अगर हमको स्लोप दिया रहे और वह लाइन किसी पॉइंट से पास करता रहे, हमको देखिए एकदम आसानी से याद रखिए सब चीज़ को, और जैसे हम बता रहे हैं अपने ब्लड में उसी तरीके से संभालो इसको। जो अभी आज थ्योरी बताया है वो आपके ब्लड में होने चाहिए, वो सारे फॉर्म आपके ब्लड में होने चाहिए, उसको डायरेक्ट याद कर लेने हैं जो फॉर्म आपको समझा दिए हैं। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपको हम करवाएंगे भी, है ना। तो आपको ये पूरे फॉर्म्स क्या कर लेने हैं, मेमोराइज कर लेना अच्छे से। अब देखो अगला क्या था, आपको अब स्लोप पता रहेगा किसी लाइन का और कहेगा कि इस पॉइंट से पास कर रहा है, किसी पॉइंट से आपको पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे देगा, कहेगा अब बताइए उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो आराम से हम क्या करेंगे, वाई माइनस वाई वन बराबर स्लोप इंटू का एक्स माइनस एक्स वन, ठीक। अगर आपको कह देगा कि एक लाइन है जो दो पॉइंट से किसी पास पॉइंट दे देगा, कहेगा दो पॉइंट से पास कर रही है, ठीक, कोई दो पॉइंट दे देगा जो जिससे वो पास कर रही है, तो कहेगा उस लाइन का इक्वेशन निकालिए। हम कहेंगे लीजिए सिंपल y माइनस वाई वन बट्टा वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। यही अभी छह फॉर्म्स हम लोग डिस्कस कर लिए हैं, तो चलते हैं हम लोग प्रॉब्लम्स की तरफ, ठीक है। तो दोस्त हम लोग प्रॉब्लम कर लेते हैं, लेकिन रुक जाओ, पहले थोड़ा सा प्रचार कर लेते हैं ना।
अब यार सब काम तो हम लोग कर ही लिए, प्रॉब्लम करने से पहले थोड़ा सा प्रचार कर ले दोस्त। हम आप लोग के लिए, हमने आपको पता है ऑलरेडी कि polytechhub.com जो बनाए हैं वो पॉलिटेक्निक के सेमेस्टर वीडियोस के लिए है। आप लोग का रिस्पॉन्सेस थोड़ा हम कम देख रहे हैं, हम लोग भी मेहनत करके आप लोग के लिए वीडियो बनाते हैं, है ना। तो मेहनत यूं ही तो बनता नहीं है। तो अगर आपको अगर अच्छा ना लगे जब आप आते हो चैनल पे, देखते हो वीडियो, तो उसके अपने जूनियर्स के साथ या अपने बैचमेट्स के साथ जो भी है उनके साथ शेयर कीजिए, है ना। वीडियोस को शेयर कीजिएगा ताकि अधिक बच्चों को ये लाभ मिल सके। अगर अच्छा ना लगता तो यार कम से कम एक लाइक ना करने आता, यार डिसलाइक तो करके जाओगे ताकि हमें रिस्पॉन्स तो पता चले कि क्या हो रहा है माहौल, है ना। तो आप लोग रिस्पॉन्स करो ताकि आपके आने वाले जूनियर्स है या फिर आप लोग आने वाले सेमेस्टर जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स है उस सब का अधिक एडवांटेज ले सको। तो आप लोग क्या करो, रिस्पॉन्सेस दिया करो। नहीं पता चलता है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखो कि यार सर आप हमें आपका वीडियो पता ही नहीं चलता है, आप क्या पढ़ा के चले जाते हो, समझ में नहीं आता है, है ना। तो आप रिस्पॉन्स करो और polytechhub.com को जितना अधिक, यानी जो आपको अच्छा लग रहा है, अगर चैनल पर आपको मज़ा आ रहा है पढ़ के, तो इस सबको शेयर करो। ये आप लोग की जिम्मेवारी है दोस्त। जब हम आपके लिए इतना कर सकते हैं तो आपकी भी एक ड्यूटी बनती है, आपकी ड्यूटी भी बनती है कि आप मेरे लिए इतना करो। जब हम आपके लिए इतना करने को तैयार है तो आप छोटा सा जो शेयर करने वाला काम होता है या फिर लाइक्स करने वाला काम होता है या कमेंट या डिसलाइक करने वाला काम होता है, अगर अच्छा ना लगता तो वो भी कर सकते हैं, इसमें क्या बुरी बात है। हमें अच्छा लगता तो करेंगे लाइक, नहीं लगता डिसलाइक, लेकिन कम से कम वो तो करो। नॉन रिएक्टिव पर्सन की तरह मत आइए और जाइए, ये थोड़ा खराब बैड मैनर्स है ना। तो थोड़ा सा क्या कीजिए दोस्त कि अगर आपको खराब लगता है तो डिसलाइक भी करके जाओ, ओके अच्छा लगता है तो। अगर आपको डाउट रह जाता है कोई तो आप डाउट भी पूछ लो, ठीक है। तो बस हम लोग प्रचार को यही समाप्त करते हैं, ज़्यादा प्रचार करेंगे नहीं, नहीं तो कहोगे कि मास्टर बहुत खाली जब देखो तो लास्ट में भी बोल देता है polytechhub.com, बाद में भी बोलता है polytechhub.com, खाली प्रचार करने में लगा रहता है। वैसे प्रचार करते नहीं है ज़्यादा, लेकिन दोस्त जरूरी है ना, जरूरी है प्रचार, जरूरी है ना दोस्त। तो अब हम लोग आ जाए जरा प्रॉब्लम खेल लेते ताकि हमको जो कॉन्सेप्ट पढ़े वो अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो इक्वेशन है हमें पता करना है, कह रहा है कि लाइन का इक्वेशन पता कीजिए। हम कहेंगे हाँ लाइए कर देते हैं, लेकिन ऐसे ही थोड़ी ना कुछ तो दीजिएगा। तो देखिए दिया हुआ है, अपने दिमाग देखो, सोचने का तरीका बनाओ कि अगर आपको कहेगा लाइन का इक्वेशन देने के लिए तो कुछ भी नहीं देगा, कहेगा लाइन का इक्वेशन लिख दीजिए, ऐसा तो होना नहीं है। आपको कहेगा लाइन का इक्वेशन लिखे तो आप कहेगा कि हमको मटेरियल दीजिए ना लाइन के लिखने के लिए, तो कहेगा क्या मटेरियल दे। तो अब दिया आपको मटेरियल, लीजिए पहला क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। वह लाइन का इक्वेशन लिखिए जो पास कर रहा है 1.1 पॉइंट से स्लोप 2 है। दोस्त अभी पढ़े हैं कि जब लाइन किसी पॉइंट से पास करे और स्लोप दिया रहे तो कौन सा इक्वेशन वाला यूज करते हैं, क्या कौन सा यूज करते हैं, y माइनस वाई वन बराबर m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। यही लाइन का इक्वेशन होता है जब आपको स्लोप पता है, दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है, पॉइंट का क्या पता है कोऑर्डिनेट, बस कुछ नहीं करना है। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा दोस्त, y माइनस वाई वन क्या है, y1 का मान क्या है, y1 होगा 1 बराबर स्लोप क्या दिया है 2 इंटू का x माइनस 1। सॉल्व कर लीजिए जरा से इसको, थोड़ा स्टैंडर्ड तरीके से लिख लीजिए क्या हो जाएगा 2x माइनस 2, क्या बलगर लग रहा है देखिए, y माइनस 2x इधर ले आते हैं, अच्छा इधर लाएंगे तो ये प्लस 2 होगा, तो ये हो जाएगा प्लस 1 बराबर 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, आप इसको अरेंज करके भी लिख सकते हो, निगेटिव से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा कैसा 2x माइनस y माइनस 1 बराबर 0, ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो कुल मिला के कहना ये है कि ये हो गया हमारा लाइन का इक्वेशन, बस यही पूछ रहा था पहला का आंसर। मजा आ जाएगा करके क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में हम लोग सब काम कर दिए हैं, मतलब एक ही क्वेश्चन में हम सारे कॉन्सेप्ट हम लोग इंक्लूड कर लिए। चलिए दोस्त दूसरा क्वेश्चन शुरू कर लीजिए। अब मान लीजिए ऐसे दिया है तो हम ऐसे पता कर लेंगे, पासिंग थ्रू 1.0 एंड 2.1 ऐसे दिया है। तो अभी पढ़ा रखें आपको,
क्या कि जब कोई लाइन किसी दो पॉइंट से पास करती है तो क्या y माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन बट्टा एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू का x माइनस एक्स वन। यही तो कर लो भाई, क्या लगा हुआ है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा सेकेंड क्वेश्चन का, इक्वेशन ऑफ लाइन इक्वल टू इक्वेशन ऑफ लाइन इज इक्वल टू हो जाएगा, क्या चीज हो जाएगा जी दोस्त बताओ, ये हो जाएगा y माइनस इक्वेशन ऑफ लाइन इज ठीक है, थोड़ा सा सही से लिख लीजिए y माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। बस डाटा पुट कर लीजिए फटाफट, क्या हो जाएगा y माइनस वाई वन कितना है जीरो, वाई टू माइनस वाई वन यानी वन माइनस जीरो अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू है टू माइनस एक्स वन क्या है वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन, एक्स वन है वन। यहाँ से हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा y बराबर, यहाँ से हो जाएगा टू माइनस वन वन बाई वन यानी x माइनस वन, ये हो जाएगा क्या y बराबर एक्स माइनस वन। ये आपका लाइन का इक्वेशन हो गया, आप चाहो तो अरेंज करके लिख लोगे। दोस्त अगर कोई बच्चा है, कोई स्टूडेंट ये कहता है कि सर यहाँ पे आप जैसे इसका कोऑर्डिनेट लिए, हम इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लेते तो क्या आंसर डिफर आता, करके देख लो फटाफट। y माइनस अभी देखिए, अभी इसका कोऑर्डिनेट ले लेते हैं इसका, तो ये हो जाएगा क्या वन इक्वल टू, स्लोप तो सेम आएगा क्योंकि वाई टू माइनस वाई वन करेंगे स्लोप सेम आएगा, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स वन का मान क्या है दोस्त देखो ध्यान से, एक्स टू का मान क्या है एक्स टू लेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा एक्स टू का मान कितना है टू, तो यहाँ से आपका हो जाएगा वाई माइनस वन इक्वल टू एक्स माइनस टू। अब यहाँ से ये जाएगा इधर तो ये क्या बन जाएगा एक्स माइनस टू प्लस वन यानी वाई बराबर एक्स माइनस वन। देखो दोस्त पहले भी हम आपको बोले हैं कि आप यहाँ पे हम एक्स जीरो और वन का, वन और जीरो का यूज किए थे, वन और जीरो का यूज किए थे, अगर आप यहीं पे टू और वन का यूज कर रहे हैं तो सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा, स्लोप तो सेम रहेगा दोनों के लिए। तो आपको इसलिए बोले हैं कि आप इसमें पॉइंट में ये वैल्यू पुट कर दीजिए या फिर ये वैल्यू पुट कीजिए, दोनों केस में आंसर सेम आना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए हम क्लियर करके बार बार बता रहे हैं कि आप कंफ्यूज मत रहो कि हो क्या अलग आ सकता है, क्या गलत बन के आ गया, ऐसा कुछ नहीं होना है, दोनों का आंसर सेम आएगा, दोनों के केस में सेम इक्वेशन ऑफ लाइन आना है ठीक। अब दोस्त बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ जो थर्ड नंबर है, क्वेश्चन पढ़ना शुरू कर लीजिए आप लोग। थर्ड प्रॉब्लम कहता है कि पासिंग थ्रू दिस एंड दिस इट्स वाई इंटरसेप्ट इज ट्वाइस ऑफ एक्स इंटरसेप्ट। इसका मतलब है देखिए ध्यान से, पास कर रहा है इस पॉइंट से वह ठीक है, लेकिन y इंटरसेप्ट कह रहा है ट्वाइस x, मतलब x को ऊपर कट कर रहा है इंटरसेप्ट कर रहा है, y ऊपर कट कर रहा है, मतलब डबल इंटरसेप्ट है, इसका मतलब डबल इंटरसेप्ट है। ये हमको समझ में आ गया हम लोगों को इसके बात कहने से कि कहना क्या चाह रहा है ठीक है। अब देखिए यहां तक करने के बाद हम लोग जरा सोचते इसकी भावनाओं में बहते हैं और देखते हैं कि क्या क्या होने वाला है। दोस्त एक बात सुन लो, अगर कोई लाइन, अगर इसको आप परमानेंट याद करके रख लो, इसको क्या करो परमानेंट ब्लड में, अगर कोई लाइन किसी पॉइंट से पास करती है, अगर कोई लाइन किसी भी पॉइंट से पास करती है तो वह पॉइंट उस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। फिर से सुन लीजिए क्या हम कह रहे हैं, अगर कोई लाइन ठीक है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो, अगर ये लाइन किसी पॉइंट जे कॉमा के से पास करता है ठीक है, ये कोई पॉइंट है, कोई भी पॉइंट हो सकता है, अगर इससे होकर ये लाइन पास कर रही होगी, लाइन का जो इक्वेशन होगा वो किसी पॉइंट, इस पॉइंट से अगर पास कर रहे हो, इसका मतलब है ये पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन को क्या करेगा सेटिस्फाइड करेगा। इसका क्या मतलब है सेटिस्फाइड करेगा, इसका मतलब साफ है कि इस पॉइंट को इसमें डालेंगे एक्स के, ये एक्स का मान है ये वाई का, तो एक्स के बदले ये पॉइंट डालेंगे और वाई के बदले ये पॉइंट इसमें डालेंगे तो एल एच एस बराबर आर एच एस यानी ये कट कूट के क्या आ जाएगा जीरो, यानी जोड़ घटाव करने पर क्या आ जाएगा ये फाइनली जीरो, इधर भी जीरो मतलब सेटिस्फाइड कर रहा है,
LHS बराबर RHS हो जाएगा, सेटिस्फाइड करने का यही मतलब है। ठीक, तो दोस्त यहाँ तक तो हो गया हम लोगों का, अब आ जाओ सवाल पे। ये आपको समझ में याद रख लो, अभी बहुत जगह पे ये यूज आने वाला है, इससे कई क्वेश्चन आपके ऐसे पूछे गए हैं जिसका इसका यूज करके इस कॉन्सेप्ट का आप बनाओगे। नोट करके ही लिख लो, नहीं होता पहले आपको ये करके नोट करके लिख लो। नोट, इफ एनी लाइन पासिस थ्रू any point then line satisfied these points। ठीक है दोस्त, तब वो लाइन क्या करेगा, उस पॉइंट को सेटिस्फाइड करेगा एकदम, ये फिक्स, ये इसको याद कर लो। बार बार जोर इसलिए दे रहे हैं कि कई बार ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं। अच्छा तो अब बात करते क्वेश्चन की, तो इसका मतलब कुछ ऐसा है कि ये कट कर रहा है किसी पॉइंट पे, लेकिन जो वाई इंटरसेप्ट है वो ट्वाइस ऑफ एक्स इंटरसेप्ट है। हमें नहीं पता कहाँ कट कर रहा है, क्या कट कर रहा है, हमें बस इतना पता है कि एक्स, अगर ये एक्स जो वाई इंटरसेप्ट इज ट्वाइस ऑफ एक्स, यानी अगर ये ए होगा तो इसका जस्ट कुछ ऐसा कट कर रहा होगा, थोड़ा सा ज़्यादा होगा। फिगर भी थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं कि मैं हमारे अंदर, हम लोग के अंदर क्या मैच्योरिटी है, समझदारी है, नहीं तो बस है ना, एक इतना लंबाई 1 मीटर और इतना लंबाई 2 मीटर, ऐसा नहीं, ठीक है, लगभग दुगुना है। ठीक, अब लग रहा है मैच्योरिटी वाला। अब मान लीजिए ये ए है, ये लंबाई, तो ये कह रहा है कि यह लाइन जो है, जो लाइन जो भी होगा वह कह रहा है कि वो वाई इंटरसेप्ट उसका 2a है, दुगुना है। तो ये आपको समझ में आ गया, डबल इंटरसेप्ट है, कैसे समझे, क्योंकि दो जगह पे बोल रहा है कट कर रहा है, तो डबल इंटरसेप्ट समझ गए, ए है तो ये 2a है। अब ये भी समझ में आ गया, अब हम जानते हैं डबल इंटरसेप्ट फॉर्म का इक्वेशन, उसको लिख लीजिए फटाफट। एज वी नो डैट फ्रॉम डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, क्या जानते हैं दोस्त बताओ, x बाई ए बोले, इसको ब्लड में रख लो, y बाई बी बराबर 1। अब यहां से क्या करेंगे दोस्त बताओ, x बाई ए, तो a का तो a इंटरसेप्ट है, b जो हमारा होता था वो 2a के बराबर हुआ, y बाई 2a बराबर 1। जरा इसका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा आपका 2a अपॉन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाई 2x प्लस वाई इक्वल टू 2a। अगर दोस्त हमें एक चीज पता चल जाता, a का मान यहां पता चल जाता, तो हमारा इक्वेशन लाइन का लिखा जाता। तो उसके लिए देखिए क्वेश्चन कैसे, अब आपको जरूरत पड़ा कि भाई a पता रहता तभी तो लाइन का इक्वेशन, नहीं तो a के टर्म में ही रह जाएगा। अगर इसके बाद अगर कुछ ये नहीं दिया रहता तो लाइन का इक्वेशन बस यही कहलाता। लेकिन एक बात और दिया है, वो क्या दिया है, कह रहा ये तो लाइन का इक्वेशन हो गया, अब ये कंप्लीट नहीं है क्योंकि हमको ए वेरिएबल के रूप में मिला है, अब ए का मान पता नहीं है। अगर ए यहाँ हमको पता चल जाता, ए का वैल्यू फिक्स वैल्यू यहाँ पे कॉन्स्टेंट, तो हम रख देते, ये इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाता। तो उसी ए के लिए आगे देखिए क्वेश्चन में कहा है कि लाइन पासिंग थ्रू 2, 3। अब देखिए बात अब हमको समझ में आई कि हमको ए चाहिए था, तो उसके लाने के लिए दिया 2, 3। तो भाई ये लाइन का इक्वेशन है, वो पास कहाँ से कर रहा है, 2, 3 से, कहीं होगा 2, 3 उससे पास कर रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि यह लाइन का इक्वेशन 2, 3 से पास कर रहा है, इसका मतलब यह पॉइंट इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, सेटिस्फाइड करेगा। तो कहेंगे सिंस लाइन 2x प्लस वाई बराबर 2a पासेस थ्रू कहाँ से 2, 3, सो डैट इट कैन सेटिस्फाई द लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन, इट कैन सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक, अब सेटिस्फाइड करेगा, इसका मतलब x के बदले 2 और y के बदले 3 डालने पर सेटिस्फाइड करना चाहिए। इसीलिए क्या हो जाएगा दोस्त बताओ, 2 इंटू एक्स के बदले
टू प्लस वाई के बदले थ्री बराबर टू ए, यानी यहाँ से हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो फोर प्लस थ्री सेवन, ए बराबर हो जाएगा सेवन बाई टू। यहाँ से ए का मान सेवन बाई टू आ गया, अब ए के बदले सेवन बाई टू रख दीजिए तो यहाँ पे आप इक्वेशन में यहाँ पे ए के बदले सेवन बाई टू रखिएगा तो क्या बन जाएगा, इसीलिए इक्वेशन ऑफ लाइन इज क्या हो जाएगा, टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू टू इंटू ए का मान आया सेवन बाई टू, सेवन टू टू कट जाएगा बराबर हो जाएगा टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू सेवन। ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन था। तो यहाँ आप लोग कुछ बेसिक्स प्रॉब्लम किए अभी तक कि लाइन का जो इक्वेशन का लाइन के इक्वेशन का अलग अलग फॉर्म क्या होते हैं उस पर कुछ बेसिक्स प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस किए हैं। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, प्रचार तो करिए लिए उधर अभी नहीं करेंगे, ठीक है, बाकी आप लोग।